हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ द आइडेंटिटीज। सो गाइस, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो एक हिस्टोरिक प्लेस है और हमारा ये ब्लॉग हिस्टोरिक ब्लॉग होने वाला है। तो ये जो जगह है इसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सेल्यूलर जेल। हम इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे जो वीर सेनानी थे उन्होंने कैसा अपना बलिदान दिया और हमारे देश को आज़ाद किया। तो हम उस पवित्र ज़मीन पर खड़े हैं जहां हमारे देश का सबसे पहला नेशनल फ्लैग जो है लहराया गया था भाई सुभाष चंद्र बोस इन 1943। और हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया उस बलिदान का आज हम एक झलक देखने वाले हैं सेल्यूलर जेल में कि उन्होंने क्या क्या सहा हमें स्वतंत्रता दिलाने में। तो आइए हमारे साथ चलते हैं आगे, देखते हैं अंदर हमारे वीरों की बलिदानियों की कहानी। इस जेल को 11 फरवरी 1979 में नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया। घुसते ही बाई तरफ हम देख सकते हैं गणेश दामोदर सावरकर जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत सा लेख, जहां इन्होंने कहा है, ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदान। जेल की शुरुआत में ही आप दो स्वतंत्र ज्योत देख सकते हैं जिसे 2400 घंटे जलाए रखा जाता है शहीदों की याद में। ज्योत को जलाए रखने के लिए 48 गैस सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है जिसे IOC जेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। सामने ये जो आपको पीपल का पेड़ नजर आ रहा है ये 100 साल पुराना पेड़ है और ये मैप आपको हेल्प करेगी इस लोकेशन को अच्छे से घूम कर देखने में। ये नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट कभी ब्रिटिशों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की एक जगह हुआ करती थी। ये जो मॉन्यूमेंट है ये 1896 में शुरू हुआ बनाना और 1906 में ख़त्म हुआ। करीबन 10 साल लगे इसे कंप्लीट करने में। 696 सेल्स हैं यहाँ, कुछ को तोड़ के यहाँ मेडिकल एक हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बनाया गया है। बाकी आपके सामने है, सामने वॉच टावर है, यहाँ वो सेल्स हैं, कुछ को रिपेयर करा जा रहा है, वापस फिर से रेनोवेट कर दिया जा रहा है क्योंकि वो टूटने की कगार पे हैं, कुछ एज इट इज़ हैं। बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को सज़ा दी जाती थी जैसे बाबा राव सावरकर, विनायक सावरकर, बटुकेश्वर दत्त। इनफैक्ट वीर विनायक सावरकर को तो ये भी नहीं पता था 2 सालों तक कि उनके 2 भाई भी यहाँ इसी जेल में रह रहे थे। कमाल की बात है। तो यहाँ ब्रिटिशों ने जो सज़ा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दी है वो आप हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ पाएंगे। ये वो जगह है जहां क्रांतिकारियों को इस तरीके से बांध कर पीठ पे कोड़े बरसाते थे ब्रिटिश। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ जहां हम ब्रिटिशों द्वारा अपनाए गए अलग अलग पनिशमेंट के तरीके को देखेंगे। इनके पनिशमेंट के लिए अलग सा एक पनिशमेंट ड्रेस हुआ करता था एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर पनिशमेंट इनको कभी चेन फिटर्स, कभी क्रॉस फिटर्स या कभी बार फिटर्स पहनाकर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ तो इस तरीके से उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे एक ही जगह पर खासकर, जिससे उनको चोट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती थी। सबसे कठोर पनिशमेंट हुआ करता था ये गोलू का पनिशमेंट, जहाँ इनसे तेल निकलवाया जाता था और इस वजह से कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत भी हो गई थी।
और ये वो जगह है जहां हमारे वीरों को फांसी दी जाती थी और वो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते थे। यहां एक साथ 3 कैदियों को फांसी दी जा सकती थी और फांसी के तुरंत बाद इस रूम के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जिससे होते हुए एक सीढ़ी नीचे जाती है जहां से हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बॉडीज को कलेक्ट किया जाता था। आइए मेरे साथ एक झलक हम इस रूम की देखते हैं। तो ये वो रूम है जहां से हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बॉडीज को कलेक्ट किया जाता था उनकी फांसी की सजा के बाद। यहाँ शाम में एक बहुत खूबसूरत सा शो होता है जिसे लाइट एंड साउंड शो कहा जाता है, जहाँ लाइट और साउंड के जरिए इस जेल की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं सीट्स लगी हैं, सीटिंग कैपेसिटी 555 की है और शाम में यहाँ आके आप इस जेल की हिस्ट्री का आनंद उठा सकते हैं। 1857 में इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद कुछ फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान भेज दिया गया आइसोलेशन में, ताकि वो बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ कांटेक्ट में ना रह पाए, और उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के याद में बनाया गया है ये मार्टिर्स कॉलम। पहले यहाँ लकड़ी का बना हुआ जेल का एक हॉस्पिटल हुआ करता था। आइए कुछ नायाब तस्वीरों के जरिए हम अंडमान के हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। 1857 के वॉर के बाद करीबन 200 फ्रीडम फाइटर्स को मेनलैंड से अंडमान डिपोर्ट कर दिया गया आइसोलेशन में, ताकि वो बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ कांटेक्ट में ना रह सके। और यहाँ स्थित एक आइलैंड जिसका नाम है रॉस आइलैंड, यहाँ इनको सेटलमेंट दिया गया और यहाँ से शुरू हो गई काला पानी की सजा की शुरुआत। पहला जेल जो अंडमान में कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट वॉज इन वाइपर आइलैंड इन 1864। इसके 30 सालों के बाद इन 1896 सेल्यूलर जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, जिसे बनने में और 10 से 12 साल लग गए। सेल्यूलर जेल के कंस्ट्रक्शन में जितने भी ईंटें लगी वो अंडमान की ही मिट्टी से बनी हुई हैं और जितने भी आयरन स्ट्रक्चर्स हैं उसे बर्मा से इंपोर्ट किया गया था। इन तस्वीरों के जरिए रॉस आइलैंड में स्थित आप चर्च, गवर्नमेंट हाउस, प्लेग्राउंड, स्कूल, मार्केट आदि देख सकते हैं। अंडमान स्थित चथाम सॉमिल का कंस्ट्रक्शन 1883 में ही शुरू हो चुका था। चथाम सॉमिल इज एशियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सॉमिल। पोर्ट ब्लेयर से ये चथाम सॉमिल एक 100 मीटर लंबी ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। इसे 1930 में कर्नल फरार ने इनॉग्रेट किया था। जिन फ्रीडम फाइटर्स को 1857 के बाद लाकर यहाँ रखा गया, बाद में जाकर वही यहाँ के लोकलाइट्स बन गए। आप उनकी भी कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं, गुरुद्वारा की तस्वीर देख सकते हैं, कुछ लोकलाइट्स को जापानीज फोर्सेस के साथ भी देख सकते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं सेल्यूलर जेल के टोटल 7 विंग्स हुआ करते थे और ये सातों विंग्स एक वॉच टावर से कनेक्टेड हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ 3 ही विंग्स बचे हैं, बाकी 4 की जगह अब जीबी पंत हॉस्पिटल है। तो ये सारे वो सेल्स हैं जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, ब्रिटिश उनके ऊपर टॉर्चर करते थे, और ये सेल्स की वजह से सेल्यूलर जेल का नाम पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुंडी लगती है, यहाँ ये दीवार से होकर गुजरती है, और ये सेल्स की जो दीवार है ये इतनी ज़्यादा मोटी है इन्हें हम तोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। आइए मेरे साथ एक बार सेल्स के अंदर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आइसोलेटेड सेल्स थे और यहाँ लाइट की कितनी कमी है। यहाँ खासियत ये थी कि यहाँ जो प्रिजनर्स रहते थे इन्हें छोटा सा पॉड दिया जाता था, वो पॉड नेचर पॉड के लिए होता था। तो क्या होता था ना, वो अगर पॉड ओवरफ्लो होता था तो फिर ब्रिटिश उन्हें पनिशमेंट देते थे। तो इस वजह से प्रिजनर्स कम खाते थे, कम खाते खाते फिर वो बीमार पड़ जाते थे और वैसे वो मर जाते थे। सो ये भी एक तरीका था उनका टॉर्चर करने का हमारे वीरों पर। उस जेल के 7 विंग्स थे और 3 स्टोरी जेल है ये। इस पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वॉच टावर है, इस वॉच टावर के जरिए प्रोटेक्शन में प्रिजनर्स पर नजर रखा करते थे। इस जेल के सातों विंग्स इस वॉच टावर के साथ कनेक्टेड हुआ करती थी कभी, लेकिन आज सिर्फ 3 ही विंग्स बची हैं। बाकी के जो 4 विंग्स थे, सुना है वो अर्थक्वेक की वजह से या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान टूट चुके थे। इन चारों टूटे विंग्स के जगह पर अंडमान गवर्नमेंट ने इन 1964 एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल। आज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सेल्यूलर जेल के ऑपोजिट में ही एक छोटा सा पार्क कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका नाम है वीर सावरकर पार्क। यहाँ वीर दामोदर सावरकर, इंदु भूषण रॉय, बाबा भान सिंह जैसे कई और फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज को देख सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा ब्लॉग ऑन सेल्यूलर जेल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो होगा हमारा रॉस आइलैंड के ऊपर, और वो भी एक हिस्टोरिक वीडियो ही होगा। और आप सभी को पता ही होगा कि रॉस आइलैंड का नाम अभी बदलकर सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। वहाँ पे भी ब्रिटिश और जापानीज कॉलोनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। थैंक यू।